के वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। जहां पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 41 वन रेंजर प्रशिक्षण को लेकर पूरी तरह से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें, पासिंग आउट परेड के दौरान सभी 41 वन रेंजरों ने जंगलों में वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करने का वचन लिया है। अकेडमी में पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर अधिकारियों ने 18 महीने का प्रशिक्षण लिया है, जिसमें इनको हर तरह की परिस्थिति में ढलने का प्रशिक्षण दिया गया है। जंगल के अंदर पुराने और नए तरीके से किस तरीके से काम किया जा सकता है, वहीं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पश्चिम बंगाल के वन रेंजर अधिकारियों का कहना है कि जंगलों के अंदर वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये वन में पहली तो बात है, हम लोग पश्चिम बंगाल के कैडर हैं, वहीं पर जाएंगे। वहाँ पर बाघ, हाथी का समस्या, लेपर्ड, बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे चल के जाना होगा। वहाँ पर पक्षी भी है, एक कुलिक पक्षी निवास बोल के एक पक्षी निवास है जो एशिया में द्वितीय बृहत्तम है। हमारा पास जो नेशनल पार्क्स हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका देखभाल करना, हम 41 हैं यहाँ पर। जी, जंगल के अंदर तो मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। सो आई होप सो कि हम वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेंगे। अपने अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है, और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, उसको लेकर के इनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है।